हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ब्रेन ऑफ स्कॉलेडॉन। सबसे पहले हम स्कॉलेडॉन का नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन स्कॉलेडॉन के नर्वस सिस्टम में आता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कॉलेडॉन में नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो नर्वस सिस्टम ऑफ इसमें तीन टाइप के सिस्टम आते हैं, 1, 2 एंड 3। सबसे पहला है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद इसमें आता है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जिसमें क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये है स्कॉलेडॉन का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ब्रेन होता कहाँ है। तो उसका ब्रेन, इसकी आईज होती है, उसके आईज के जस्ट एकदम ऊपर होता है, जैसे कि इस बुक में देखिए, ये आई है, आई के यहाँ जस्ट ऊपर ये रहा इसका हेड। ठीक है, तो ये स्टेप में होता है, हेड यहाँ पे होता है। तो अब हम इसका ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ब्रेन 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहले है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, हिंदी में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है कि सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलम, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलम ये रहा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये दो पोर्शन में डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे माइंड में होता है सेरिब्रम दो पोर्शन में डिवाइड होता है, लेकिन इनमें डिवाइड नहीं होता है। और इनके यहाँ से सबसे पहले ये ऑल्फैक्टरी पेडंकल निकलता है। ऑल्फैक्टरी पेडंकल फिर कहाँ जाता है, ये ऑल्फैक्टरी लोब में डिवाइड हो जाता है। और ये लोब कहाँ है, ये ऑल्फैक्टरी सैक है, उससे कनेक्ट है। तो उनका जो कंट्रोल है वो इस टाइप से होता है, ओल्फैक्टरी सैक का कंट्रोल ओल्फैक्टरी पेडंकल से जो ओल्फैक्टरी लोब निकलते हैं उनसे होता है। और जो ये ओल्फैक्टरी लोब है ये फिर नॉस्ट्रल के द्वारा बाहर निकलते हैं, बाहर खुलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि ये दो डायग्राम है, तो ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, इसके बाद में ये जैसे कि सेरिब्रम खत्म हो गया, जैसे कि यहाँ तक, तो ये जो है इसके जो वेंट्रल साइड में सेरिब्रम में हम देखेंगे, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक न्यूरोपोर होता है वेंट्रल साइड में, सेरिब्रम के अंदर आता है। तो जो ये न्यूरोपोर है, इससे एक जो नर्व निकलती है उसको हम कहेंगे टर्मिनल नर्व, और ये दोनों टर्मिनल नर्व के बीच में एक होता है गैंग्लियन, दोनों में एक ही गैंग्लियन है। ठीक है, तो ये था सेरिब्रम। इसके बाद जो फोर ब्रेन में जो दूसरा है वो है डाइएन्सेफेलन है। तो डाइएन्सेफेलन कैसे होता है, तो वो ये ऊपर की ओर तो बहुत कम दिखाई देता है, मोस्ट ऑफ ये मिड ब्रेन के द्वारा ढका हुआ रहता है, नीचे की ओर होता है, तो वो है डाइएन्सेफेलन। हम इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से अभी देखेंगे। ठीक है, और जो डाइएन्सेफेलन है यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व भी निकलती है, और जो ये ऑप्टिक नर्व है दोनों कनेक्ट होके एक क्या बनाते हैं, ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा ये जिस दोनों जुड़े हुए हैं, मैं पहले वही डायग्राम बना देती हूँ ताकि एकदम ईजी रहे। ब्रेन का जो एकदम एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस टाइप में होता है। सबसे पहले हमने अभी देखा
क्या था ये फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम है। सेरिब्रम के बाद में यहाँ पे ये ऑप्टिक लोब निकलती है, ऑप्टिक लोब निकली, इसके बाद में यहाँ से ऊपर की ओर ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब नीचे की ओर, नीचे की ओर सबसे पहले क्या है, ये यहाँ पे ये ऑप्टिक काइज़मा है, तो पहले ऑप्टिक काइज़मा आएगा, ये ऑप्टिक काइज़मा, और इसके बाद में ये इनफंडिबुलम, और इसके नीचे के जो ऑर्गन है वो आते रहेंगे। तो अब ये होता कैसे है मैं वो बताती हूँ। जो सेरिब्रम है वो यहाँ तक ही है, तो ये सेरिब्रम यहाँ तक आ गया, ये सेरिब्रम आ गया। इसके बाद में सबसे पहले मैं फोर ब्रेन बता रही हूँ, फोर ब्रेन में दो पोर्शन है, सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है। सेरिब्रम में तो यहाँ से जो वो ऑप्टिक नर्व, ये जैसे कि हार्ट, तो ये पूरा ऐसे है, जब इसको बीच में से कट करेंगे तो तब कैसा दिखाई देगा, तो वो ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से जो वो ऑल्फैक्टरी पेडेंकल है वो निकल रही है, और न्यूरोपोर भी यहाँ पे होता है, और उससे भी जो टर्मिनल नर्व है वो आ गई। तो ये तो हो गया सेरिब्रम, ये हट गया। अब हम देखते हैं डायएन्सेफेलॉन, तो डायएन्सेफेलॉन कैसे होता है, तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं पहले वो देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है वो है ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक काइज़मा मतलब वो ऑप्टिक नर्व, दोनों जो जब कनेक्ट होगी तो वो एक सिंगल नर्व बनाएगी, तो उसे ऑप्टिक काइज़मा कहेंगे। इसके बाद आएगा ये ऑप्टिक काइज़मा, इसके बाद में इनफंडिबुलम के बाद में उसके दोनों साइड इन्फीरियर लोब, उसके बाद में उसके नीचे की और हाइपोफाइसिस, ठीक है, और हाइपोफाइसिस, इसके बाद में सेकस वेस्क्यूलोसिस। अब ये होते क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका ऑप्टिक काइज़मा आ गया, ऑप्टिक काइज़मा के बाद में जो ये ऑप्टिक काइज़मा है वो और ये इनफंडिबुलम दोनों कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से टच में रहते हैं, तो इसके बाद ये है वो इनफंडिबुलम। इसके साइड में से दो लोब निकलते हैं, उनको कहेंगे इन्फीरियर लोब के बाद में जो ये जो इनफंडिबुलम है इससे जो कनेक्ट रहता है जो लोब, उसको कहेंगे हाइपोफाइसिस, और ये हाइपोफाइसिस और इनफंडिबुलम दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पिट्यूटरी लोब। ठीक है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ह्यूमन बीइंग्स में वो ये बनाती है, ठीक है, दोनों इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसिस कनेक्ट होगी। और जो ये इनके नीचे की ओर यहाँ पे जो ये हाइपोफाइसिस है, इसके नीचे की ओर एक बड़ा लोब होता है, उसको हम कहेंगे सेकस वेस्क्यूलोसिस। अब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो देखिए जो ये सेरिब्रम यहाँ तक एंड हो गया, सेरिब्रम हो गया, उसका कोई अब नहीं है रोल, ये न्यूरोपोर आ गया और ये कनेक्ट, ये एकदम एंड हो गया इसका। इसके बाद हम देखते हैं डायएन्सेफेलॉन, अब हमने स्ट्रक्चर में देखा है, तो जो जो डायएन्सेफेलॉन है वो मोस्ट ऑफ वेंट्रल साइड में ही होता है, लेकिन जो ये डोर्सल साइड में जो इसका रूफ होता है, उसके रूफ के ऊपर ये प्लेक्सस होते हैं, जिसको हम एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहेंगे,
ठीक है, और उससे जो एक स्टॉक निकलता है उसे पीनियल स्टॉक कहते हैं, जो एपिफाइसिस में जाके एंड हो जाता है। एपिफाइसिस मतलब पीनियल बॉडी में जाके एंड हो जाता है। तो रूट पे इसकी यही स्ट्रक्चर है। इसके बाद में जो इसकी वेंट्रल साइड है, तो अब हम इसका वेंट्रल साइड देखते हैं। तो ये वेंट्रल साइड, यहाँ तक तो वो सेरिब्रम हो गया। अब ये नीचे ये देखिए, सबसे पहले क्या आ गया, ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व दोनों जा कनेक्ट हो रही है, वो है ऑप्टिक काइज़मा, जैसा कि हमने अभी उस फोटो में देखा। तो ये ऑप्टिक काइज़मा है उस डायग्राम में, ठीक है ना। तो ऑप्टिक काइज़मा से फिर क्या है, कनेक्ट में है ये, क्या है, इनफंडिबुलम, सबसे नीचे की और इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम हमने अभी देखा, ये इनफंडिबुलम, और इसके अंदर की ओर मतलब नीचे की ओर, सबसे नीचे यही बॉडी है, इसके अंदर की ओर ये क्या है, दो लोब है। ये लोब का है, ये रहे, ये दो लोब है, इनको हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर लोब। इनका नाम क्या है, इन्फीरियर लोब। इन्फीरियर लोब के बाद में मैंने अभी बोला था कि जो इनफंडिबुलम है उससे क्या कनेक्ट में रहता है, ये हाइपोफाइसिस, ये वाला, ये क्या है, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस और इनफंडिबुलम दोनों मिला के क्या बनते हैं, पिट्यूटरी लोब। और जो ये हाइपोफाइसिस है, इसके नीचे की ओर जो लोब होता है, ये इन्फीरियर लोब और इनके सब के नीचे की ओर, ये सबसे अंदर की ओर लोब होता है, इसका नाम है सेकस वेस्कुलोसस। क्या नाम है, सेकस वेस्कुलोसस, ठीक है। तो ये था हमारा डायन्सेफेलन। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में सिर्फ ओनली फोर क्या आता है, ये ऑप्टिक लोब आते हैं। और ये ऑप्टिक लोब भी कैसे होते हैं, देखिए, ये सेरिब्रम है हिंड ब्रेन का, मैं गलती से बोल लिया, ये मिड ब्रेन नहीं है, ये हिंड ब्रेन है, ठीक है। तो इनकी अंदर की ओर कैविटी होती है, हम कैविटी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये ऐसे होता है, ये वाला है, ये अभी हमने देखा ऑप्टिक लोब, ये ऑप्टिक लोब है, बीच में से कट करेंगे तो सिर्फ एक ही दिखाई देगा, दोनों साइड का नहीं। तो देखिए, ये ऊपर से तो ये पूरा इतना है, तो ऊपर से तो हिंड ब्रेन से ढका हुआ है और नीचे से ये डायन्सेफेलन से ढका हुआ है, तो ये दोनों के बीच में होता है, ये इतना बाहर डोर्सल साइड में नहीं दिखाई देता और वेंट्रल साइड में भी बहुत कम दिखाई देता है। वेंट्रल साइड में तो हम कहेंगे नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ डोर्सल साइड में ही, और वो भी बिल्कुल बहुत कम, क्योंकि दोनों से ढका हुआ है, कहाँ से दिखाई देगा, तो ये दोनों से ढका रहता है। तो ये है इसका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये रहा ये मिड ब्रेन, इस साइड में तो दिखाई नहीं दे रहा ये। तो ये है इसका ऑप्टिक लोब और ये है इसका मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद में हम अब आते हैं हिंड ब्रेन पे। तो हिंड ब्रेन में क्या क्या आते हैं, दो पोर्शन आते हैं, तो सेरिबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो सेरिबलम हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे कितने फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड वाला होता है, यहाँ स्ट्रक्चर से भी हम देख सकते हैं, ये कितना, ये फोल्ड है बहुत, ये वो सबसे ऊपर की ओर उभरा हुआ रहता है सेरिबलम। बस ये, इससे भी नर्व्स निकलती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस साइड तो ये देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेरिबलम साइड में, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। यहाँ पे ये जो सेरिबेलम है, इसके साइड में, दोनों साइड में ये बॉडीज होती है, इनको रेस्टिफॉर्म बॉडी कहते हैं, इनको रेस्टिफॉर्म बॉडी कहते हैं, और इनसे भी नर्व निकलती है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो रूफ है वहाँ पे भी प्लेक्सस होता है, जैसा कि यहाँ ऊपर होता है। तो इस जो ये प्लेक्सस है, इसका नाम है पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस, पोस्टेरियर कोरोइड प्लेक्सस। इसके बाद में ये नर्व, नर्व का सिस्टम हम जो ऑटो
सॉरी जो सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसके अंदर देखेंगे। हम यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्रेन का, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे ही ये पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा कितना छोटा है और जैसे ही नीचे आता है ये नैरो हो जाता है, संकरा हो जाता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। तो यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से देखिए ये नर्व निकल रही है। तो जो ये नर्व वाला है हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये था हमारा ब्रेन ऑफ स्कॉलोडॉन। थैंक यू।